अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शीन के मुतल्लिक पढ़ेंगे। शीन कैसे बनता है? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हुए एक शोशा, फिर दूसरा शोशा और फिर थोड़ा सा नीचे लाकर ऊपर की तरफ कर्व कर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा सीन। जब सीन के ऊपर एक, दो और तीन नुक्ते लग जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? शीन। शीन शाह शेर। बच्चों, ये है जंगल का बादशाह शेर, और शेर किस हर्फ से शुरू होता है? शीन से। शीन शाह शेर। शीन शाह शलजम, और शलजम को इंग्लिश में कहते हैं टर्निप। तो शीन से और क्या क्या बनता है? शीन शाह शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच। बच्चों, ये है शीन की आधी शक्ल, एक शोशा, दूसरा शोशा और फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ। जब इसके ऊपर थ्री डॉट्स लग जाएंगे तो ये बन जाएगी शीन की आधी शक्ल। यहाँ पर आपके सामने कुछ हर्फ दिए गए हैं, इनके ऊपर सर्कल करना है और सर्कल सिर्फ शीन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ, क्या ये शीन है? जी नहीं, ये सीन है। क्या ये शीन है? जी हाँ, ये शीन है। चलिए इस पर सर्कल करते हैं। इस तरह से। क्या ये शीन है? नहीं। नीचे लाइन में देखते हैं, क्या ये शीन है? जी हाँ, ये शीन है। इसके ऊपर भी दायरा लगाते हैं या सर्कल करते हैं। क्या ये शीन है? जी नहीं, ये तो से है। क्या ये शीन है? जी हाँ, ये शीन है। क्या ये शीन है? नहीं, ये तो से है। इसी तरह से आपने शीन पर दायरे लगाने हैं। चलिए तो अब हम शीन की प्रैक्टिस करते हैं। शीन कैसे लिखते हैं? सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। पहले एक शोशा, फिर दूसरा शोशा, फिर नीचे की तरफ डॉट्स को ज्वाइन करते हुए आएंगे, लास्ट लाइन से होकर ऊपर की तरफ जाएंगे। बस जब ये सीन बन जाएगा और सीन के ऊपर हम तीन डॉट्स लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? शीन। इसी तरह से आपने ये पूरी लाइन करनी है।